गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। अपन ने अपने लास्ट वीडियो में चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड का अपन ने रिवीजन कर लिया था, ठीक है। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर थर्ड चैप्टर, दैट इज ग्रोइंग अप, ठीक है। थर्ड जो अपना चैप्टर है कौन सा है? ग्रोइंग अप, ठीक है। तो इसका अपन रिवीजन करेंगे, ओके, फॉर आवर टेस्ट, ठीक है, जिससे हम अपने टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो इसमें अपन देखेंगे ग्रोइंग अप। नाउ हाउ वी ग्रो ओल्डर, ठीक है, हम ग्रो कैसे करते हैं और कैसे हम ओल्डर बन जाते हैं, ठीक है। नाउ ग्रो अप लुक एट डिफरेंट फ्रॉम चिल्ड्रेन, ठीक है। तो आपने चिल्ड्रेंस को उस टाइप से देखा होगा, पहले तो वो क्या रहते हैं? बेबी रहते हैं, फिर वो यंग बन जाते हैं और फिर वो ओल्ड बन जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से उनकी जो बॉडी है वो हमेशा क्या करती रहती है? ग्रो करती रहती है, ठीक है। नाउ यू आर हेल्पलेस वैन यू वर बॉर्न, ठीक है। जब आपका बर्थ हुआ था तो अब आप क्या थे? आप बिल्कुल हेल्पलेस थे, ठीक है। इट मीन्स किसी की नीड होती थी आपको, किस लिए? ईट, कुछ भी खाना हो तो, ड्रिंक, टॉक, वर्क, स्टैंड, ये सारे वर्क करने के लिए आपको किसी की नीड होती थी। ये सारे वर्क आप खुद नहीं कर सकते थे, ठीक है। और आप क्या थे? डिपेंडेंट थे किसी पे। किस पे थे? योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स पे आप डिपेंड थे, ओके। नाउ यू स्लैप ए लॉट एंड समटाइम्स क्राई, आप बहुत ज्यादा स्लीप करते थे और कई बार बहुत ज़्यादा क्राइम भी आप करते थे, ठीक है। इसके अलावा यू कुड ऑनली ड्रिंक मिल्क, और आप सिर्फ मिल्क को ही ड्रिंक कर सकते थे, ओके। एज यू ग्रू अप, और जैसे जैसे आपकी बॉडी ने ग्रोथ की, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो बॉडी ग्रोथ होने के बाद में आपको कुछ ऐसी दिखाई देने लग जाती, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी बॉडी ने क्या की? ग्रोथ की, ठीक है। यू लर्न टू टॉक, तो आपने क्या सीखा? टॉक, बातें करना सीखा। वॉक करना सीखा आपने, स्टैंड, खुद से स्टैंड, अपने पैरों पे खड़े होना सीखा, ठीक है। एंड यू डिड मैनी मोर थिंग्स, और आपने ऐसी काफी सारी चीजें की हैं, ठीक है। एंड नाउ, और अभी आप क्या कर सकते हो? राइड ए बाइसिकल, आप बाइसिकल भी राइड कर सकते हो, आप रन कर सकते हो, ठीक है, जंप कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। यू आर टॉलर एंड हैवियर देन बिफोर, और आप पहले से ज्यादा टॉलर हो गई, आपकी लेंथ ज्यादा हो गई है, और आपका मतलब जो वेट है वो भी ज्यादा हो गया, इट मीन्स आप हेवी हो गए हो, ठीक है। एंड योर क्लॉथ्स एंड शूज हैव बिकम स्मॉलर फॉर योर साइज, ठीक है। और अब आपके जो क्लॉथ्स हैं और आपके शूज हैं वो पहले से अगर आप कंपेयर करो तो आपकी साइज से क्या हो गई? ये स्मॉल हो गई, आपकी साइज से क्या हो गए? स्मॉल हो गई। Now, as you can see here, you can do many activities by yourself. Okay? Now, after some year, you will grow up to become like your parents. और कुछ सालों बाद में आप कैसे बन जाओगे? जैसे आपके parents हैं. Okay? Now, you will then be an adult. ठीक है? और तब आप क्या हो जाओगे? एक adult हो जाओगे. ए बॉय बिकम्स लाइक हिज फादर, एक जो बॉय है वो कैसा बन जाएगा? जैसे उसके फादर हैं, ठीक है। इसी टाइप से ए गर्ल बिकम लाइक हर मदर, एक जो गर्ल है वो कैसी बन जाएगी? आफ्टर सम इयर्स जैसे उसकी मदर है वैसी वो बन जाएगी। नाउ द फादर बिकम्स लाइक द ग्रैंडफादर, आपके जो फादर हैं वो कैसे बन जाएंगे? जैसे आपके ग्रैंडफादर है, ठीक है। इसी टाइप से आपकी जो मदर है वो क्या बन जाएगी? जैसे आपकी ग्रैंड मदर है, ठीक है। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट्स, अपन तो ग्रो करते ही हैं, इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। सो एज यू कैन सी हियर, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो शील्ड होता है, देखो जो शील्ड होता है वो ग्रो करके क्या बन जाता है? जर्मिनेशन, मतलब जर्मिनेट करता है। और ये जो जर्मिनेटेड प्लांट है ये स्मॉल प्लांट बन जाता है, और फिर ये जो स्मॉल प्लांट है ये क्या करता है? बिग ट्री बन जाता है धीरे धीरे,
ठीक है। तो इस टाइप से शीड से प्लांट चेंज हो जाते हैं। ओके, शीड ग्रो करके क्या बना लेता है, प्लांट बनाता है, ठीक है। और प्लांट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्री के अंदर। ओके, नाउ नाउ अ चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर एक्सरसाइज। ओके नाउ देखो, वैसे तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से लर्न करना है, आपको अपने ये जो एक्सरसाइज है चैप्टर की हर एक लाइन आपको अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि ये जो आपके टेस्ट होंगे इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपके कहीं से भी बने हुए हो सकते हैं, तो उनका आपको आंसर है वो प्रॉपर वे में देना है। और आपकी एक्सरसाइज के बीच में से भी आ सकते हैं, ये चैप्टर के बीच में से भी आ सकते हैं, तो आपको सारा कुछ अच्छे से लर्न करना है। ओके, तो ये हो गए आपके टिक द करेक्ट क्वेश्चन, तो ये इसी टाइप से आएंगे आपके, तो ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है और अभी आपको इनको अच्छे से लर्न कर लेना है। ओके नाउ इसी टाइप से अपने आपको जो करेक्ट एंड इनकरेक्ट है उनको भी लर्न करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को भी अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। एंड एज यू नो दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू विच थिंग्स कैन ग्रो, कौन कौन सी चीज़ें ग्रो कर सकती है, ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है, वो सभी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। नाउ ऑन हूम इज द बेबी डिपेंडेंट फॉर हिज नीड्स, जो बेबी होता है, स्मॉल बेबी होते हैं, वो अपनी नीड्स के लिए किस पर डिपेंड करता है, अपॉन हिज पेरेंट्स फॉर हिज नीड्स, किस पर डिपेंड करता है, ये अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करता है अपनी सभी नीड्स के लिए। इसी टाइप से हाउ डज ए बेबी लुक लाइक आफ्टर सम ईयर, आफ्टर सम ईयर जो बेबी है वो किसके जैसे दिखाई देता है, देयर पेरेंट्स, धीरे धीरे वो कैसा बन जाता है, उनके पेरेंट्स के जैसा बन जाता है, ठीक है। एंड हाउ डज ए गर्ल लुक लाइक आफ्टर सम ईयर, जो गर्ल है वो आफ्टर सम ईयर कैसी बन जाएगी, लाइक हर मदर, जैसी उसकी मदर दिखाई देती है वैसी ही वो दिखने लग जाएगी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ, रिविजन ऑफ अ फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके एंड देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू।